गाइस आप लोगों को पता है आज मैं किस तरीके का एडिटिंग आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक टोन वाला एडिटिंग। सो इस फोटो को मैंने कम्युनिटी टैब पर भी पोस्ट किया था, वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आया कि भाई इसका ट्यूटोरियल लाओ। और एक बात गाइस, पिछले वीडियो पर मैं आप लोगों को बताया था आप लोग कैसे ब्लर कर सकते हैं। सो गाइस वहाँ पर बहुत सारे कॉमेंट आया कि भाई हम जब ब्लर करते हैं वहाँ पर जो क्वालिटी है बहुत ही खराब हो जाता है। सो गाइस इसलिए मैं इसका सोल्यूशन आज आप लोगों को बताऊंगा। गाइस सबसे पहले क्या करना है, मेरे लिंक से आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि आफ्टर फोकस प्रो। सो प्रो वर्जन में आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैं वीडियो पर बताया था, बता दूंगा आप लोग कैसे जो HD फोटो है सेव कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। सो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। सो गाइस जैसे कि मैंने फोटो को ओपन कर लिया लाइटरूम ऐप के अंदर, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि मेरा आया है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो ऑटो वाले ऑप्शन है ना, इसके अंदर टैप करना है, ऑटोमेटिकली हाईलाइट शेडो एडजस्ट हो जाएगा फोटो का। अगर आप लोग मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन के अंदर जाकर आप लोग मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने किया। उसके बाद गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर कलर डालना है। सो बैकग्राउंड के अंदर कलर डालने के लिए आप लोगों को थर्मोमीटर वाले आइकन के अंदर टैप करना है, जैसे कि यहाँ पर कलर वाला आइकन। उसके बाद आप लोगों को मिक्स वाले टूल के अंदर चला जाना है और यहाँ से थोड़ा सा जो यहाँ पर रेड कलर है ना उसका जो सेचुरेशन है उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दीजिए, और जो यहाँ पर जो फेस का कलर है ऑरेंज उसको थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दीजिए सेचुरेशन को, और लुमिनेशन को थोड़ा सा हाई। उसके बाद गाइस आप लोगों को ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सेचुरेशन को हाई कर देना है और ह्यू को माइनस की तरफ, और आप लोगों को कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आप लोगों को सिंपली डन पर टैप कर देना है। उसके बाद क्लियरिटी को थोड़ा सा हाई कर देना है, हाई करने के बाद वाइब्रेंट को माइनस की तरफ और गाइस नॉइस रिडक्शन को हाई कर दीजिए और शार्पनेस को भी हाई कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद गाइस फोटो को कर लीजिए सेव। सो आप लोग देख सकते हैं मैं फ़ोटो को सेव कर रहा हूँ। सो सेव हो जाने दिए गाइस, जैसे कि फ़ोटो सेव हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को बैग आ जाना है और गैलरी में फ़ोटो को ओपन कर लेना है। सो गैलरी में आप लोग डायरेक्ट ऐप के अंदर फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाइस इस वाले ऐप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगा। गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमारा पिक फाट जाता है, इसका भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आफ्टर फोकस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ से आप लोगों को करना है एल्बम के ऊपर टैप। टैप करने के बाद जिस फोटो को आपने अभी सेव किया उसको इनपुट कर लेना है, ठीक है। सो मैं फटाफट से उस फोटो को इनपुट कर लेता हूँ। गाइस मैंने फोटो को इनपुट कर लिया, इनपुट करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले मॉडल को कुछ इस तरीके से व्हाइट प्रिंट कर देना है, जैसे कि मैं पहले वीडियो पर बताया था आप लोगों को, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। सो यहाँ पर आप लोगों को एक न्यू चीज़ सीखने को मिलेगा, आप लोग कैसे ब्लैक बैकग्राउंड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस वीडियो को फुल्ली देखो। सो मैं फटाफट से मॉडल के ऊपर कुछ इस तरीके से पेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर गाइस पेंट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ना उसके अंदर ब्लैक पेंट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ गाइस कुछ इस तरीके से, और मॉडल के अंदर थोड़ा सा अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। सो मैं जैसे कर रहा हूँ आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, इसको भी मैं अच्छे तरीके से मैं कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पर नीचे का है ना एरिया उसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ब्लैक, और देने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से दे देता हूँ। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सब कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट पर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद आप लोगों का जो ब्लर का अमाउंट है उसको फुल्ली हाई कर देना है। हाई करने के बाद आप लोगों को नीचे का जो फेदर है उसको भी थोड़ा सा हाई कर दीजिए, और उसके बाद गाइस यहाँ पर इस वाले आइकन के अंदर टैप कीजिए। टैप करने के बाद जो मैनुअल वाले ऑप्शन है ना इसके अंदर टैप कीजिए, और जहाँ पर आप लोग छोड़ा था वहाँ पर कुछ इस तरीके से देने के बाद राइट वाले ऑप्शन के अंदर टैप कर दीजिए। और गाइस जैसे कि यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सो ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए आप लोगों को इफेक्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो इस वाले कलर है ना इसके अंदर टैप कीजिए। सो एक क्लिक के अंदर आपका जो बैकग्राउंड है ब्लैक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो एडिटिंग हो चुके हैं और कितना प्रोफेशनल लग रहा है, जैसे कि फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं, ठीक है। गाइस अब आती है HD फोटो कैसे सेव करें। सो HD फोटो सेव करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर थ्री डॉट वाले आइकन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद सेटिंग के आइकन पर टैप कीजिए,
और उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो यहाँ पर शेप का आइकन है इसके अंदर टैप करना है, ओरिजिनल साइज के ऊपर टैप करके कुछ इस तरीके से रख देना है, तब आपका जो फोटो का ओरिजिनल साइज है यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, सो सेव वाला आइकन के अंदर मैं टैप करता हूँ। गाइस ओरिजिनल साइज सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आपका मोबाइल फास्ट है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज का वीडियो कैसा था नीचे कमेंट करके बताना, और गाइस ऐसे ही न्यू ट्यूटोरियल चाहिए तो और भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।